Hello students, welcome back once again with me. So this is Pradeep Kumar here, and today we are going to read a poem, namely The Schoolboy. Okay, so let's start. Dekho, poem name is The Schoolboy. Ye school ka ek ladka hai. Okay, the schoolboy in the poem is not a happy child. What makes him unhappy? What does he compare? Why does he compare himself to a bird that live in a cage, or a plant that withers when it should blossom? देखो, ये आपके इंट्रोडक्शन है इस पोएम का, कि भाई ये कहना चाह रहा है कि स्कूल बॉय की स्टोरी है, वो जो कि एक खुश नहीं रहता है, वो अनहैप्पी रहता है. ठीक है, क्यों रहता है, क्यों जो दुखी रहता है, क्यों, क्या चीज़ है आखिर जो उसको दुखी जो है रखती है ना. और वो जो अपने आप को जो बर्ड है जो कि पिंजरे में ऐसा कैद रहता है, हाँ, वो कुछ प्लांट्स हैं जो कि जो है मुरझाए हुए रहते हैं जबकि उनको जो है खिलना चाहिए, उनसे क्यों कंपेयर करता है. ठीक है, किससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को, ऐसे पक्षी से कंपेयर कर रहा है जो कि उस पिंजरे के अंदर बंद है, और ऐसे फूलों से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को जो कि मुरझा गए हैं, है ना, पौधों से कंपेयर कर रहे हैं जो कि मुरझा गए हैं, या जबकि उनको क्या है खिलना चाहिए था. ठीक है, तो ऐसे जो अपने आप को कंपेयर कर रहा है. ठीक है, तो देखते हैं इसका, पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. देखो, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, हाँ, व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि मुझे क्या है समर मॉर्निंग में उठना जो है अच्छा लगता है, है ना. क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है सभी जो बर्ड्स हैं, पक्षी है, वो क्या है गाते हैं, और सभी पेड़ पे बैठे बैठे जो है ना सभी पक्षी गाते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं. क्लियर. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. हाँ, क्या कह रहे हैं कि बहुत दूर जो है जो हंट्समैन है, शिकारी क्या है, वो अपने जो भोपू है वो बजाता है, हाँ, और जो स्काई लार्क है वो गाता है मेरे साथ. क्या गाता है, ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, है ना, वो गाता है, मतलब ये गाता है तो वो उसको कैसा लगता है कि ये कितना सुंदर जो है साथ है. ठीक है, स्काई लार्क आपका क्या होता है, पक्षी होता है गाने वाला. ठीक है, ओके, और जो कंपनी है यहाँ पे कंपनी क्या होती है, साथ, भाई इन चीज़ों को साथ मिलता है उनको, जो पक्षी है वो गाते हैं, है ना, ऐसे स्काईलार के वो गा रहे हैं यहाँ पे पक्षी, और कितनी अच्छी वो मॉर्निंग होती है, समर मॉर्निंग होती है, गर्मी की मॉर्निंग होती है ना, तो ये चीज़ों सभी पाकर जो है, इन चीज़ों का साथ पाकर जो है वो खुश है यहाँ पे. कंपनी क्या होता है, साथ. दूसरा कंपनी का वर्ड होता है आपका जैसे कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे ऐसे, तो उस चीज़ में कोई भी है. दूसरा वो होता है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें. आगे देखो, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. हाँ, क्या कह रहे हैं कि लेकिन समर की मॉर्निंग में क्या है, गर्मी की जब मॉर्निंग होती है उसमें स्कूल जाना क्या हो जाता है, वो क्या कर लेता है मेरे लिए, कि जैसे मेरी खुशियाँ हैं वो सारी छीन लेता है. ओके, देखो, ओ ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, जो मेरी सारी खुशियाँ हैं वो सभी छीन लेता है. अंडर क्रूअल आई outworn the little ones spend the day in sighing and dismay. है ना, क्या कह रहे हैं कि भाई जो क्लास में जो पढ़ता है ना, स्कूल में पढ़ता है, तो भाई जो वहाँ के टीचर्स हैं इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब काम ही काम होता है. ठीक है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता, खेलने नहीं देते वहाँ पे, है ना, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दैट्स ऑल. ओके, और फिर क्या होता है, जो लिटल वंस है उनको स्पेंड करना पड़ता है, जो बच्चे हैं उनको सारा दिन अपना क्या उनके साथ स्पेंड करना पड़ता है ना, इन साइंग एंड डिसमे. साइंग मीन्स आपका आह भरते हुए, आह भरना मीन्स ओ कब होगी छुट्टी, है ना, ऐसे करते हैं ना उस वे में. एंड डिसमे, और डिसमे मीन्स दुखी होके, एक दुख भरी आवाज में. क्लियर, उस सेंस में यहाँ पे. आह देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जियस आवर. वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं उस समय क्या है, मैं ड्रूपिंग, मतलब अपना सिर जो है झुका के बैठ जाता हूँ ना, दोनों हाथ अपने गाल पर रख लेते हैं ना, ऐसे सर को झुका लेते हैं, इस वे पोजीशन में जो है मतलब बैठ जाते हैं. क्लियर, और स्पेंड करते हैं कई जो चिंतित घंटे कि जो क्लास में काफ़ी टाइम होता है ना, 5-6 घंटे का जो है स्कूल होता है. क्लियर, तो उसमें क्या है पूरा दिन वहाँ पे बैठा रहना होता है, वहाँ पे खेलना जाना नहीं होता है बाहर. क्लियर, तो उस चीज़ से क्या है वो जो है दुखी हो जाता है. क्लियर. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, है ना, नॉट सिट इन लर्निंग्स बोवर वॉर्न थ्रू विद द ड्रियरी सावर. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ना तो क्या है मुझे अपनी किताबों में जो है खुशी मिलती है, और ना ही मुझे क्या है बाहर जो स्कूल का जो बगीचा है उसमें बैठने से खुशी मिल रही है, और वॉर्न थ्रू विद ड्रियरी सावर, वहाँ क्या है जो मनोज फवारा है उससे भी जो है मुझे
खुशी नहीं मिलती है, वो भी उससे भी जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स हैं कुछ, डिलाइट यहाँ पे आपका वर्ड है, डिलाइट। क्लियर, डिलाइट क्या होता है आपका, खुशी। ओके, और यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे आपके जो स्कूल का बगीचा होता है बाहर स्कूल में, ठीक है, तो वो आपको पावर कहलाते हैं यहाँ पे। और डेयरी होता है आपका मनहूस, DRER भाई, डेयरी मनहूस। क्लियर, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखो। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, है ना, कह रहे कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, कि ऐसा जो पक्षी वो भला जो खुशी के लिए जन्मा है वो कैसे भला पिंजरे में रह सकता है और गा सकता है। हाँ, हाउ कैन, कैसे भला, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई हाउ कैन, कि एक बच्चा भला कैसे जो है वो ऐसे रह सकता है कि जब वो फियर्स में खुश कैसे रह सकता है कि जो भला जो फियर में है, है ना, फियर में, डर में है, अनॉय है ना, उन्हें परेशान है, अनॉय मीन्स परेशान, और जो बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, है ना, लेकिन क्या है अपने जो पंख है वो सिकोड़ के जो है बैठ जाता है ना, अपने जो कोमल पंख है, टेंडर का मतलब होता है आपका कोमल, कोमल जो पंख है वो सिकोड़ के बैठ जाता है, टेंडर मीन्स आपका कोमल। क्लियर, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग है, मतलब जो उसके खेलने कूदने के दिन है वो स्कूल में जाके बेचारा ऐसे परेशान होकर बैठता है सारे दिन वहाँ पे, टीचर्स के पढ़ता है वहाँ पे, है ना, कोई खेलने के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं होता, भले स्कूल में होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना हम पढ़ते हो, इजंट इट, क्लियर, तो ऐसा है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, मतलब ऐसा होकर क्या हो जाता है कि अपनी जो यूथफुल स्प्रिंग को जो है भूल जाए। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जो बच्चा है वो अपनी यूथफुल जो स्प्रिंग है ना, जिसको खेलने कूदने के जो मौज के दिन है उसको जो है भूल जाए है, और जस परेशान होकर जो है क्लास में जैसे बैठे रहे है, और सिर झुका के जैसे बस जो टीचर बोल रहे हैं वो सुनता रहे। ओके, ऐसे कैसा भले पॉसिबल है, आगे देखो। ओ फादर एंड मदर, हाँ क्या है, ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय एंड स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, हाउ शैल समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। हाँ, कह रहे कि ओ फादर एंड मदर, हाँ ओ माता और पिता, ओ पिता और माता, कि जो कलियाँ हैं, बर्ड्स होते हैं आपकी कलियाँ, कि जो कलियाँ हैं कोई भी होती है ना, फूल होता है उसकी जो कलियाँ होती है, कलियाँ तो छोटी होती है, फूल तो क्या है जो बड़ा हो जाता है दैट इज़ उसके बाद उसको बोलते हैं कि फूल, जो छोटा होता है तो उसको तो कलियाँ ही बोलेंगे। क्लियर, जो कलियाँ हैं है ना वो क्या है, फलने फूलने से पहले जो यदि उनको काट दिया जाए है, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो हवा है उनको जो है भागे ले जाए, उनके खिलने से पहले ही जो है भागे ले जाए, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड है, इफ़ जो कोमल जो पौधे हैं, टेंडर मीन्स कोमल, जो कोमल पौधे हैं और वो पहले ही जो है अपने फलने फूलने से पहले ही जो काट दिए जाते हैं, स्ट्रिप्ट होता है काट दिए जाते हैं, तो वो उनका मतलब भला वो कैसे अपनी जो जो खुशियां हैं अपनी जो आनंद है स्प्रिंग डे के, है ना, स्प्रिंग डे के वो कैसे भला जी पाएंगे, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, है ना, किससे कैसे होंगे दुखी और मतलब परेशान हो जाएंगे उसमें। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये कंपेयर कर रहा है अपनी लाइफ को किससे, जो छोटे फूल होते हैं, कलियाँ होती हैं ना, पौधे होते हैं, कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है छोटे फूलों की तरह, यदि भाई हम छोटे फूल हैं ना, यदि जो छोटे फूलों को फलने फूलने से पहले जो काट देंगे ना, और जो हवा उनको उड़ा के ले जाएगी, तो ऐसी लाइफ हुई हमारी, तो भाई उन्होंने फूलों ने पूरा बड़ा तो नहीं हुआ ना, ये फूल तो नहीं बने, कलियाँ ही है ना अभी, तो उसी तरीके से यदि छोटे बच्चों की लाइफ क्या है, स्कूल में जाके बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलना वहाँ पे है नहीं, हालांकि होता है बट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ओनली फॉर 15 to 20 minutes, तो वो उनसे जो है खुश नहीं है, परेशान हो जाते हैं, ठीक है, उसमें भी कहा गया, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, मतलब ऐसे हो गई जो स्प्रिंग है उसको आनंद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, अपनी यूथफुल लाइफ है उसको आनंद नहीं ले पा रहे हैं, एक फूल की तरह हो गई जो उनको पहले ही काट के फेंक दिया जाता है। ओके, अगर देखो, हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, कह रहे कि यदि ऐसा होगा कि जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, फूल कलियाँ, उनको पहले ही काट के फेंक देंगे, तो क्या होगा कि हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय,
जो समर है, गर्मी है, वो कैसे भला आएंगी, है ना, खुशियाँ देंगी। और द समर फ्रूट्स अभी, और जो गर्मियों के जो फूल है वो कैसे दिखाई देंगे, कैसे उगेंगे। क्लियर, यहाँ पे बताया गया। तो ये आपकी पोएम जो कंप्लीट हुई, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, कुछ आपको वर्ड्स का मतलब बता दिया मैंने, कलियाँ। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है नेप्ट, यहाँ पे देखो जो NIPP है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, NIPD। क्लियर, ये NIPPED है यहाँ पे। क्लियर, जो एक पी है उसको, पी और ई को जो है साइलेंट कर दिया गया अपोस्ट्रोफी लगा के। ये होता है किसी चीज़ को मतलब फलने फूलने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना। ओके, ये होता है स्ट्रिप्ट का मीन्स भी यही होता है। एंड यहाँ पे बता दिया प्लांट्स स्ट्रिप्ट ऑफ जॉय, कि भाई इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, मतलब यही है जो उनको फलने फूलने से पहले हटा दिया, ये सब। क्लियर, तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। इनके जो पोइट हैं वो हैं विलियम ब्लेक, इन्होंने जो है ये लिखी है। ओके, तो कैसी लगी आपको, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, है ना, क्योंकि स्कूल में भी होता तो ऐसे ही, बट लेकिन स्कूल में क्या आपको आगे ले जाया जाता है, पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे नवाब। क्लियर, इस वे में खेलो भी, कूदो भी और पढ़ो भी, ऐसे तो बैलेंस करके चलना चाहिए। अब तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो ऑब्वियसली आप खेल रहे होंगे, बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भले खेलें लेकिन घर में खेलें, बाहर नहीं जाएं। ओके, स्टे इन स्टे सेफ। क्लियर, तो ये आप स्लोगन याद रखें और हमेशा खेलते रहिए, खुश रहिए, मज़े करते रहिए। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे, सो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ओके, सो टिल देन गुड डे, बाय बाय।